हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल वुड बी वेरी फाइन. टुडे आई एम हियर यू नो इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू हैव येट एन अनदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन यूपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन दैट इज सोली टारगेटेड टुवर्ड्स जनरल स्टडीज पेपर टू विच आई हैव टू गिव और टेक एज फार एज द सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस कंसर्न. तो जैसा कि आपको याद है, पिछले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अगली बार जब मिलूंगा तो मैं कुछ टॉपिक के साथ मिलूंगा जिससे आपको ये रियलाइज हो सके, महसूस हो सके कि क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान जो आपको पढ़ाया जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर आप कैसे आयोग के द्वारा मेन्स परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर पाने में खुद को सक्षम महसूस कर पाएंगे. उस पे बेसिकली विचार करना था. तो मैंने कहा था आपसे कि मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाऊंगा क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्लास में बेहतर बताने के लिए संभावनाएं होती है, इसीलिए मैंने वो सेलेक्ट किया है. इससे आपको या अपने टीचर को ऑब्जर्व करने में भी सहूलियत होगी कि हमें जब क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो हमारे अंदर कैसी संकल्पना विकसित हो सकती है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड संकल्पना विकसित हो पाएगी या बस ऐसे ही हवाबाजी चलेगी. तो देखते हैं. एक क्वेश्चन जो पूछा है, अभी जो लास्ट परीक्षा हुई है यूपीपीएससी मेंस की, उसमें आपको बताऊं भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या करें. ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था. आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस मेंस में अब जनरल स्टडीज के चार पेपर हो गए हैं और प्रत्येक पेपर में 200 अंकों के प्रत्येक पेपर हैं जो 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 20 होती है जिसमें 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिन्हें प्रत्येक क्वेश्चन को 125 शब्दों में लिखना होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या भी 10 होगी जिन्हें आपको 200 वर्ड्स में प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना होगा, है ना. तो यहां पर जो क्वेश्चन बना है, आयोग ने आपसे अपेक्षा की है कि 125 शब्दों में इसका उत्तर दे, है ना. लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम में जब हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को कम से कम इतना अलाउ करे कि वो कहीं ना कहीं ज्ञान की गंगा में गोते लगा सके और ताकि उसके पास संभावनाएं व्याप्त हो, व्यापक संभावनाएं हो कि वहां से अपनी मर्जी से कंटेंट को निकालकर अपने उत्तर को खूबसूरत से खूबसूरत बना सके. अगर हम आपको लिमिटेड यानी सीमित संसाधन मुहैया कराएंगे तो वैसे में कई दफा ऐसी संभावना बनती है कि आपके पास लिखने का स्कोप बहुत कम रह जाता है, है ना. तो क्लास में तो जाहिर सी बात है इंटेंसिव डिस्कशन होगा, व्यापक परिचर्चा होगी प्रत्येक विषय वस्तु पर, प्रत्येक टॉपिक पर. तो इतना तो तय हो गया ना कि भारत की संघीय व्यवस्था और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में विभेद पर यह सवाल बना हुआ है, है ना. यस, मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं. भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, है ना. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 अंक का, और आपको 125 शब्दों में लिखना है. अगर केवल मुझे आपके सामने इसका उत्तर दर्शाना हो तो मैं 125 शब्दों में लिख के दिखा दूंगा आपको, बट इसका कोई औचित्य नहीं बनता है. आप क्लास के अंदर अध्ययन इसलिए नहीं करते कि टीचर प्रश्नों का उत्तर आपको लिखवाए या उत्तर बताए, बल्कि आपकी अपेक्षा यह होती है कि हमें टॉपिक को इस तरीके से समझाया जाए जिससे कि ना सिर्फ कोई दिया हुआ सवाल बल्कि उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो हम उसे खुद से हल कर पाने की स्थिति में हो, समझ रहे हैं. तो इसी को प्रश्न के और एक तरह से आलोक में मैं एक टॉपिक का सृजन करता हूं आपके सामने और फिर उस टॉपिक को समझाऊंगा और उस टॉपिक को समझाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जो कुछ भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे उसके छोटे से कोने में यह प्रश्न समा जाएगा,
है ना, इस प्रश्न की कोई औकात नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले आप ये समझेंगे कि भाई संघीय व्यवस्था होती क्या है, है ना। जब संघीय व्यवस्था आप समझेंगे तो ही तो समझ पाएंगे कि भाई भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है और अमेरिका की, यूएसए की संघीय व्यवस्था कैसी है। जब दोनों को समझेंगे तो बेहतर उत्तर आप लिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुकात आप कह सकते हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन से भी है। एनीवे, इसमें हमें बेसिकली भारतीय संविधान की प्रकृति व अमेरिकी संविधान की प्रकृति को समझना होगा। और उससे भी एक कदम अगर पीछे चले तो आप कह सकते हैं कि वैश्विक व्यवस्था में, है ना, जहां कहीं भी फंक्शनल डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक अवधारणा है ना, वहां राज व्यवस्था की आखिर कौन कौन सी भिन्न भिन्न प्रकृतियां देखने को मिलती है। तो आमतौर पे ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये नेचर ऑफ पॉलिटी से बना हुआ है, राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था की प्रकृति। और आपको बता दूं किसी भी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति वैसी ही होती है जैसे उस देश के संविधान की प्रकृति होती है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने दिलो दिमाग में रखेंगे। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके सामने कि भाई वैश्विक स्तर पे लोकतांत्रिक संविधानों के परिप्रेक्ष्य में या उन देशों के परिप्रेक्ष्य में जहां लोकतंत्र मौजूद है वहां राज व्यवस्था की आखिर क्या कुछ प्रकृति हो सकती है, किस किस नेचर के पॉलिटिकल सिस्टम हो सकते हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस किस किस प्रकृति के हो सकते हैं, है ना। चलो मैं कोशिश करूंगा कि अगले एक घंटे में शॉर्ट में ही सही इस टॉपिक को आपको समझा ले जाऊं, जिससे कि आपको यह महसूस हो जाए कि जो प्रश्न दिया हुआ था या इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर पूछा जाए भविष्य में तो आप बेहतर जवाब दे सके, बेहतर जवाब लिख सके। देखो किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, है ना, आखिर किस तरह से किया जाएगा, आखिर किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख उस देश के संविधान में किया गया होता है, है ना। अब देखिए देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी यह कौन बतलाएगा, उस देश का संविधान बतलाएगा। तो जाहिर सी बात है उस देश के संविधान की आखिर क्या कुछ प्रकृति होगी उसी पर तो टीका होगा ना, उस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप या उसके संचालन की प्रकृति। तो सिंपल सी बात है, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का स्वरूप कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान की प्रकृति। और देखो जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो मूलतः देश की राज व्यवस्था कहलाती है, यानी देश की राज व्यवस्था के अंदर हम शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था किसके लिए होती है, देश में व्याप्त जंगलों के लिए, मवेशियों के लिए या इंसानों के लिए, जाहिर सी बात है इंसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं भाई देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें यह देखना होता है कि संबंधित देश में देश तथा उसके उस देश में रहने वाले लोगों के मध्य आखिर किस प्रकार का रिलेशनशिप बनता है, किस प्रकार का संबंध बनता है। जब बात लोकतांत्रिक देशों की होती है तो आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि लोकतांत्रिक देशों में देश तथा उस देश में रहने वाले लोगों के मध्य जो संबंध होगा, जो वैधानिक संबंध होगा, वो मूलतः
लोक कल्याणकारी होना चाहिए, है ना, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। और इस लोक कल्याणकारी स्वरूप को, इस लोक कल्याणकारी अवधारणा को अपनाने के उद्देश्य से संबंधित देशों के पास राज व्यवस्था के भिन्न भिन्न स्वरूपों को अपनाने की अलग अलग संभावनाएं व्याप्त होती है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपको बताऊं, अब देश किस तरह की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाएगा या इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी राज व्यवस्था की कैसी प्रकृति रखना चाहता है। और राज व्यवस्था की जैसी भी प्रकृति वो सुनिश्चित करेगा, जाहिर सी बात है उसके संविधान में वर्णित उपबंध भी उसी दिशा में दिए गए होंगे। तभी तो मैंने कहा कि देश के संविधान की जैसी प्रकृति होगी उस देश की राज व्यवस्था की भी वैसी ही प्रकृति होगी। और हम लोग यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संविधानों की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। और जब आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सापेक्ष अगर कहीं भी ग्लोबल स्तर पर वैश्विक स्तर पर किसी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति से तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो हमें किससे अध्ययन करना होगा, किसके सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, उन्हीं देशों के सापेक्ष जहां लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जहां लोकतांत्रिक अवधारणाएं व्याप्त हैं। समझ रहे हैं, अब भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति की तुलना हम किसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश से तो कर नहीं सकते भाई, तुलना भी किसमें की जाती है, सिमिलर क्लास में की जाती है। कंपैरिजन कहां करेंगे, सिमिलर क्लास में। इंसान की तुलना दूसरे इंसान से की जाएगी कि मवेशी से की जाएगी, इंसान से की जाएगी। समझ रहे मेरी बात। तो देखिए, यहां जो संविधान की प्रकृति है किसी भी देश की, वो बेसिकली सीधा समानुपाती होती है किसके, उस देश के राज व्यवस्था की प्रकृति के, यानी देश की राज व्यवस्था की वैसी ही प्रकृति होगी जैसी उस देश के संविधान की प्रकृति होगी। ठीक, आपको बताऊं वैश्विक स्तर पे जब हम बात लोकतांत्रिक देशों अथवा लोकतांत्रिक संविधानों की करते हैं तो यहां पर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या फिर कह लो नेचर ऑफ पॉलिटी, राज व्यवस्था की प्रवृत्ति अथवा संविधान की प्रवृत्ति प्रोमिनेंट रूप से तीन प्रकारों में बांटी जा सकती है, या तो राज व्यवस्था अथवा संविधान की प्रवृत्ति या प्रकृति एकात्मक होगी, है ना, यूनिटरी, या फिर फेडरल होगी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं संघात्मक, या फिर क्वासाई फेडरल होगी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धसंघात्मक। समझ रहे हैं मेरी बात, अर्धसंघात्मक। अब ध्यान देना, जहां आप यूनिटरी मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या यूनिटरी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाएंगे, आप कहेंगे कि ठीक है राज व्यवस्था की जो भी प्रकृति है ओरिजिनल है, है ना, वास्तविक है। अगर कहीं किसी देश के संविधान में अथवा उसकी राज व्यवस्था में फेडरल कैरेक्टर आप पाते हैं तो कहेंगे कि संघात्मकता उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर किसी देश के अंदर ये तीसरे काइंड, थर्ड काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पाते हैं या थर्ड काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाते हैं, क्वासाई फेडरल टाइप ऑफ, तो कहेंगे कि ओरिजिनल नहीं है। क्यों ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये एक मिश्रित प्रकार है, राज व्यवस्था की मिश्रित प्रकृति है, संविधान की मिक्स टेंडेंसी है। और मिक्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप यूनिटरी के भी लक्षण पाएंगे, इसमें आप फेडरल के भी लक्षण पाएंगे। तो बताओ ये ओरिजिनल कहां रहा, ये तो मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया। एनीवे, फिर भी सामान्य भाषा में कहें तो वैश्विक स्तर पे जब बात लोकतांत्रिक संविधानों अथवा देशों की होती है तो हमारे पास राज व्यवस्था की तीन प्रकृतियां निकल कर आती हैं, एकात्मक, संघात्मक तथा अर्धसंघात्मक। समझ रहे हैं। अब देखो हमारी कंसर्न क्या है, हमारा सवाल कहां से बना है, फेडरल सिस्टम, यानी हिंदुस्तान में पाया जाने वाला फेडरल सिस्टम, भारत में पाया जाने वाला फेडरल सिस्टम अमेरिकी फेडरल सिस्टम से आखिर किस प्रकार भिन्न है। तो यह सवाल क्यों बना है, इसलिए बना है कि जो फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है या फेडरल मोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनके तीन अलग अलग उप स्वरूप निकल कर आते हैं, सब काइंड्स निकल कर आते हैं। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो फिर इस प्रश्न के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। संभव है कहीं से रट रटा के भले उत्तर लिख दिए हो लेकिन कंसेप्ट की बुनियाद पर आप इसको लिख नहीं पाएंगे। और रटने रटाने की परंपरा कब तक चलेगी, कहां तक चलेगी,
संभव नहीं है। तो देखिए, ये जो फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, तीन तरह का होता है, यानी फेडरल को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम को क्या बोलेंगे आप, संघात्मकता या संघात्मक प्रणाली, है ना, फेडरल सिस्टम। अब देखिए, किसी भी संघात्मक प्रणाली के तीन स्वरूप हो सकते हैं, है ना। बात करेंगे संघात्मक प्रणाली का मतलब क्या है, अभी जस्ट आपके सामने एक ब्लूप्रिंट शो कर दे रहा हूं जिससे आपको लग जाए कि इस प्रश्न की आउटलेट कहां से निकलती है। तो फेडरल सिस्टम आपको बताऊं, एक होता है यूनियन प्रकार का फेडरल सिस्टम यानी संघीय, दूसरा होता है फेडरेशन जिसको हम लोग कहते हैं परिसंघीय, देवनागरी में परिसंघी कहते हैं, और तीसरा होता है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महासंघीय। अब देखो, संघात्मकता के तीन स्वरूप निकल कर आए, किस तरह की, संघीय प्रकार की संघात्मकता, परिसंघीय प्रकार की संघात्मकता और महासंघीय प्रकार की संघात्मकता, ठीक। तो अब मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं और आगे की चर्चा मैं फेडरल सिस्टम से शुरू करता हूं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि वैश्विक स्तर पे जब कभी भी लोकतांत्रिक संविधानों की बात होगी, लोकतांत्रिक देशों की राज व्यवस्थाओं की बात होगी, तो राज व्यवस्था अथवा संविधान की यही तीन प्रवृत्तियां आपके सामने दिखेंगी, या तो एकात्मक प्रवृत्ति या संघात्मक या फिर अर्धसंघात्मक। क्योंकि प्रश्न की जड़ें किसको छूती है, संघात्मक प्रवृत्ति को, इसलिए हम लोग संघात्मकता पे परिचर्चा आयोजित करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक फेडरल सिस्टम नहीं समझेंगे तब तक इंग्लैंड का या अमेरिका का फेडरल सिस्टम में विभेद कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए, फेडरल सिस्टम संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, ये आपको मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं, विस्तार में बात जब होगी, टॉपिक डिस्कशन जब क्लास के अंदर होगा तो ये काफी लंबी परिचर्चा होती है, खासकर जब हम लोग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 के करेस्पॉन्डिंग, आर्टिकल 1 में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इतना तो तय हो गया कि हमारा संबंध संघात्मकता से है, फेडरल सिस्टम से है। ओके, तो देखो, ये राज व्यवस्था की ऐसी प्रकृति है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर आधारित होती है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये मूल बात है। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा भी और सारे पक्ष आपको दिखेंगे, ऐसी व्यवस्था जहां संविधान की सर्वोच्चता हो, जहां लिखित संविधान आवश्यक रूप से मौजूद हो, है ना, संविधान में कठोरता के अंश हो, न्यायालयों की प्राधिकारिता सुनिश्चित की गई हो, अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये सब एक साथ मिलते हैं तब संघात्मकता का सृजन होता है। बट उन सारे पहलू को मैं यहां साइलेंट कर दे रहा हूं, मैं इसको चूंकि मेरा कंसर्न उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, इसलिए मैं वही रास्ता इख्तियार कर रहा हूं जो थोड़ा जल्दी से उस क्वेश्चन तक पहुंच जाए, समझ रहे मेरी बात। तो फेडरल सिस्टम चूंकि इसका मूल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, तो आमतौर पर आपको बताऊं, बात अगर अमेरिका की करें या फिर हिंदुस्तान की करें, यहां शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया है, भाई केंद्र व राज्यों के अंदर, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य यहां शक्तियों के विभाजन की संकल्पना आपको दिखेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब चूंकि फेडरल सिस्टम के अंदर हम तीन स्वरूप देख रहे हैं, कौन कौन, यूनियन टाइप फेडरल सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघ, दूसरा फेडरेशन टाइप फेडरल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं परिसंघ, और तीसरा हो गया कॉन्फेडरेशन टाइप फेडरल सिस्टम, महासंघ। अब जरा सोचो, ये तीनों के तीनों
फेडरल सिस्टम के ही अवयव हैं, यानी तीनों फेडरल सिस्टम कहलाएंगे। मान लीजिए कोई देश कहता है कि मेरी जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है या मेरे देश का जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो संघीय प्रकार की है, यूनियन प्रकार की है, तो अगेन यूनियन प्रकार की है तो इसका संबंध किससे है? संघात्मक प्रणाली से। संघात्मक प्रणाली मुख्य रूप से किस बिंदु पर आधारित होती है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर आधारित होती है। क्लियर है? दूसरा, अगर कोई देश कहे कि हमारे यहां फेडरेशन है तो अगेन फेडरेशन भी किसका अंश है? संघात्मकता का। संघात्मकता की बुनियाद क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो यहां पर भी आपको शक्तियों का विभाजन दिखेगा। अगर कोई कहे कि मेरे यहां कॉन्फेडरल सिस्टम है यानी महासंघीय प्रणाली है, तो अगेन महासंघीय प्रणाली किसकी तरफ इशारा करती है? संघात्मकता की तरफ, यानी इसकी बुनियाद में भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो देखिए सॉरी आप यहां यूनियन में भी आप यूनियन के अंदर भी क्या पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पाएंगे। फेडरेशन के अंदर भी क्या पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ के अंदर भी क्या पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर है? शक्तियों का विभाजन। अब देखो सॉरी मैं अगले पेज पे मूव करता हूं। संघ परिसंघ महासंघ है ना, यूनियन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। और एक बात बता दूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस मेंस के बैच में है ना, या फिर यूपी पीसीएस प्री कम मेंस जो भी कह लो, मतलब पीसीएस के बैच में जो एडमिशन लेने को इच्छुक हैं, ये उनके लिए नहीं है जो वनडे वगैरह की परीक्षाओं को देते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल पड़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि जबरदस्ती दिमाग खपाने की आवश्यकता है यहां पर, है ना, हर किसी के दिमाग की अपनी एक सीमा होती है। तो जो वनडे टाइप एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो या तो इसे समझ सके तो अच्छी बात है, और नहीं समझ सके तो इससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क पे अतिरिक्त भार आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं होता, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आप पे, है ना। देखो चूंकि तीनों ही व्यवस्थाएं किसके दायरे में आती है? फेडरल सिस्टम के, फेडरल सिस्टम संघीय प्रणाली, और फेडरल सिस्टम किस अवधारणा पर टिका होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन की अवधारणा पर टिका होता है। ठीक, अब ये शक्ति विभाजन कहां अंजाम दिया जाता है? सेंटर और स्टेट्स के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच। ठीक, देखो अब सवाल ये उठता है कि सारा खेल बुनियादी रूप से शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर टिका हुआ है, तो सामान्य भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर अगर विभाजन की बात की जाए तो विभाजन किस तरीके से किया जा सकता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन। तो देखिए जब भी आप विभाजन की बात करेंगे, विभाजन अधिकतम तीन प्रकार से किया जा सकता है, समझ रहे मेरी बात? विभाजन अधिकतम तीन प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई में सपोज कोई वस्तु आपको विभाजित करनी है, ठीक है, तो आपके पास कितने विकल्प हो सकते हैं? देखिए आपके पास जो पहला विकल्प होगा वो ये होगा कि आप x को ज्यादा दे दें, y को कम दें, ये विभाजन संभव है ना। दूसरा x और y दोनों को बराबर दे दें, ये भी विभाजन का एक स्वरूप हुआ। तीसरा x की तुलना में आप y को ज्यादा दे दें, विभाजन फिर भी हुआ। भाई विभाजन का मतलब ये थोड़ी हुआ कि बराबर बराबर ही विभाजन हो, आप इतनी बात तो समझ पा रहे हैं ना। हाँ, कि अक्सर जो पार्टनरशिप का नॉर्म चलता है, साझा का जो सिद्धांत चलता है, वो ऐसे ही चलता है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन हो, जितना शेयर हो, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। तो विभाजन के यही तीन स्वरूप हो सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई स्वरूप होगा क्या? आप जरा खुद सोचिए, नहीं होगा। अब देखो ये जो फेडरल सिस्टम है
वो शक्ति विभाजन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की संकल्पना पर आधारित है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके किसके बीच अंजाम दिया जाता है? केंद्र व राज्यों के मध्य। औपचारिक रूप से देखें तो अब जाहिर सी बात है, केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होगा, अगर हम एक्स और वाई को हटाकर इनके स्थान पर सेंटर एंड स्टेट्स लिख दें, तो बताओ केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कुल कितने तरीके से हो सकेगा? अगेन यही तीन तरीके संभव है। सेंटर को स्टेट से ज्यादा दे दे, यह भी संभव है। सेंटर और स्टेट दोनों में बराबर का बंटवारा कर दे, यह भी संभव है। सेंटर से ज्यादा स्टेट को दे दे, तो सेंटर स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन्हीं तीन रूपों में हो सकता है ना। ठीक है, अब देखो चाहे किसी भी रूप में शक्तियों का विभाजन हो, लेकिन इतना तो तय है कि शक्तियां विभाजित हो रही हैं। और जिस राज्य व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित किया गया हो, आंख बंद करके उस राज्य व्यवस्था को आप संघात्मक राज्य व्यवस्था करार दे सकेंगे। हालांकि इसके अलावे और भी लक्षण होने चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना आपको, किसी देश के संविधान में अथवा उसकी राज्य व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना तो हो ही हो, यह बुनियादी व्यवस्था है। इसके साथ उस देश में लिखित संविधान भी होना चाहिए, उस देश के अंदर संविधान के प्रावधानों में कुछ एक कठोर प्रावधान भी होने चाहिए, यानी पूर्णतः लचीला नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? फिर आप कह सकते हैं संविधान वहां सर्वोच्च होना चाहिए। कहने का मतलब कि संविधान को देश के अंदर सर्वोच्च विधि का दर्जा प्रदान किया गया हो। यू नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सी, द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड सिंपली मीन दैट इफ एनी अदर लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, दैट लॉ मस्ट बी इन टाइट कंफर्मिटी विद द प्रोविजन एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। यानी संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा कि उस देश की विधायिका के द्वारा, कानून निर्मात्री संस्था के द्वारा यदि किसी भी नए कानून का सृजन किया जाता है, तब उस स्थिति में वह कानून वैधानिक रूप से मान्य तभी करार दिया जाएगा जब वह संविधान में वर्णित विभिन्न उपबंधों के साथ अपनी सापेक्षता जाहिर करता हो, समरूपता जाहिर करता हो। अगर अतिरेक उत्पन्न करेगा, विविधता उत्पन्न करेगा, उस स्थिति में कानून का वह हिस्सा जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है उसे गैर संवैधानिक करार दे दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रेफर टू एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द अपेक्स लॉ ऑफ द लैंड। आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग इट। तो देखो, यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था जो होती है या संघात्मकता होती है, निसंदेह इसमें सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है किस पे आधारित होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे। क्लियर है? दूसरा, फेडरेशन यानी परिसंघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था के अंदर भी आप देखेंगे जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप होगा, अगेन किस पे आधारित होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की संकल्पना पे, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पे। तीसरा, कॉन्फेडरेशन के अंदर भी आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देखेंगे, R/P का मतलब रिलेशनशिप, संबंध, और इस रिलेशनशिप की बुनियाद में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेकिन अब यहीं पर एक नई बात आपको समझनी है, जहां यूनियन प्रकार का फेडरल सिस्टम होगा वहां पर सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का स्वरूप कुछ इस तरह से होगा, सेंटर के पास राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां होंगी। क्लियर है? सेंटर के पास राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां होंगी। दूसरी बात, जहां पर परिसंघीय प्रकार की संघात्मकता हो, फेडरेशन टाइप फेडरल सिस्टम हो, वहां केंद्र तथा उसकी इकाइयां यानी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अंजाम देंगे, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच बराबर किया जाएगा। देख रहे हो दूसरी वाली अवधारणा? बट इतना तो तय है कि इन दोनों ही अवधारणाओं के तहत आप देख रहे हैं, इन दोनों ही संदर्भों के तहत आप देख रहे हैं कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित किया जा रहा है। तीसरा, कॉन्फेडरेशन में क्या होगा? कॉन्फेडरेशन में आपको बताऊं, सेंटर की तुलना में राज्य यहां मजबूत होते हैं, है ना, सेंटर से ज्यादा शक्तियां राज्यों को दी जाएंगी। तो देख लिया, तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी तीनों फेडरल सिस्टम को निरूपित करते हैं। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तीनों में अलग अलग स्वरूप में किए गए हैं, है ना, एनीवे, और तीनों ही में आप यह भी देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके किसके मध्य किए गए हैं? केंद्र तथा राज्यों के मध्य किए गए हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में। आपको बताऊं, हिंदुस्तान में भी संघीय प्रणाली है, अमेरिका में भी संघीय प्रणाली है। ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, एक ऐसी संघात्मकता जहां केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां हो,
उसे हम यूनियन प्रकार की संघात्मकता कहते हैं या संघीय प्रकार की संघात्मकता। सवाल केवल यही तक सीमित है, फेडरल सिस्टम अंदर की बातें नहीं खोला है, नहीं तो खोला होता तो संघीय व परिसंघीय में विभेद पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको विभेद किस आधार पर बताने हैं, संघीय व परिसंघीय के आधार पर विभेद बताने हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में यही वाली व्यवस्था पाई जाती है संघीय, और अमेरिका में ये वाली पाई जाती है परिसंघीय। तो देख रहे हैं प्रश्न की बुनियाद कहां से निकल कर आती है। अब आपको नहीं लगता कि विभेद यहीं से शुरू हो जाएगा? पहला विभेद तो बड़ी सामान्य तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो केंद्र है राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका में क्या बोलेंगे? केंद्र व राज्य दोनों ही बराबर की स्वायत्तता का लुप्त उठाते हैं। क्लियर, पहला विभेद। दूसरा देखो, ये जो चूंकि अभी हमारी कंसर्न कॉन्फेडरेशन नहीं है, जब मैं टॉपिक फ्रेश तरीके से पढ़ाऊंगा तो इन तीनों पर व्यापक चर्चा करूंगा, बट अभी चूंकि मैं उस प्रश्न की तरफ मूव कर रहा हूं और उस प्रश्न को खोलने के लिए मैं उन्हीं कंसेप्ट पे बल दे रहा हूं जिनका उस प्रश्न से सीधे सीधे संबंध है, इसलिए आपने देखा होगा शुरू में भी कुछ चीजें मैं स्किप कर दिया था, यहां भी कर रहा हूं। अब यहां से कॉन्फेडरेशन को आप भूल जाइए, बात करते हैं इन्हीं दो की। यह व्यवस्था भारत की है और यह व्यवस्था अमेरिका की है। देख रहे हो, अमेरिका में फेडरेशन है जो फेडरल सिस्टम का हिस्सा है, हिंदुस्तान में यूनियन है, संघ है, जो फेडरल सिस्टम का हिस्सा है। इन दोनों फेडरल सिस्टम में क्या फर्क है? तो पहला फर्क तो यही से निकल गया कि भारतीय संघात्मकता में केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, अमेरिका के अंदर केंद्र व राज्य कमोबेश बराबर की स्थिति में है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित किया गया है, वह इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि केंद्र की ऐसी अभिलाषा है कि राज्यों को शक्तियां प्रदान की जाए। समझ रहे मेरी बात? यहां पर बेसिकली संविधान द्वारा राज्यों को शक्तियां इसलिए प्रदान की गई ताकि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। मेन मोटिव यह था, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे वैविधता मूलक देश और ज्योग्राफिकली इतने व्यापक देश में राज व्यवस्था का कुशल संचालन तभी संभव हो सकेगा जब शासनिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां केंद्र के साथ साथ केंद्र की इकाइयों को भी उठानी होगी, है ना, या वो भी उठाए। तो देखें, हमारे यहां सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है या जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, यह किसी वैधानिक समझौते की बुनियाद पर नहीं किया गया है। वैधानिक समझौते की बुनियाद पर नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका के अंदर जो सेंटर व स्टेट के बीच आप शक्ति विभाजन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देख रहे हैं, ये वैधानिक समझौते की बुनियाद पर संचालित किया जाता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन लीगल एग्रीमेंट, वैधानिक समझौता। समझ रहे हैं? हमारे यहां वैधानिक समझौते के आधार पर नहीं किया गया। तो आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब भारत में केंद्र व राज्य का जो एक तरह से कह सकते हैं रिलेशनशिप है, जो इनके मध्य अंजाम दी जाने वाली शक्ति विभाजन की संकल्पना है, अगर वे किसी वैधानिकता का परिणाम नहीं है तो आखिर किस बुनियाद पर यह आपस में जुड़े हुए हैं? देखिए, यहां पर जो सेंटर और स्टेट है, आप कह सकते हैं कि ये निष्ठा की अवधारणा पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता, अमेरिका के अंदर भी ये राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो बॉन्डिंग है, जो बंधन है, वो कैसा है? वैधानिक बंधन है, लीगल एग्रीमेंट है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर नो डाउट केंद्र व राज्यों के जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, ये किसी लीगल एस्पेक्ट पे, लीगल एग्रीमेंट पे आधारित नहीं है, लेकिन सब कुछ लीगल एस्पेक्ट ही नहीं होता, निष्ठा भी कोई चीज होती है। तो हमारे यहां राज्य केंद्र के साथ निष्ठा की अवधारणा पर जुड़े हुए हैं। निष्ठा की अवधारणा पर किस लिए? अब चाहे आप ये इनकी मजबूरी कह लीजिए या जो कह लीजिए, मान लीजिए दो लोग हैं, है ना, एक व्यक्ति दूसरे पर पूर्णतः निर्भर बना दिया गया है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए खुद को अपने एग्जाम्पल में रख लीजिए, सपोज आप किसी व्यक्ति पर अपनी हर प्रकार की जरूरतों के लिए पूर्ण रूपेण निर्भर हैं। आप जरा सोचिए, चाह कर भी सामने वाले का विरोध कर पाएंगे? नहीं। आपके पास एक ही चारा है, क्या है? आपको नहीं चाहते हुए भी सामने वाले के प्रति निष्ठावान बने ही रहना होगा, क्योंकि
अगर उसने आपको अपने से अलग कर दिया तो आपका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुस्तानी व्यवस्था में केंद्र के साथ राज्यों की कुछ ऐसी ही स्थिति पाई जाती है, यानी स्टेट्स कैन नॉट सीसीड देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द यूनियन और फ्रॉम द सेंटर। इफ दे डू शो दे विल श्योरली लूज देयर वेरी एग्जिस्टेंस। अगर राज्य केंद्र से अलग होने का प्रयास भी करे तो समझ लेना कि वे अपने अस्तित्व को खटाई में डालने जा रहा है। यानी राज्य अपनी हर तरह की जरूरतों के लिए, कार्यकारी जरूरतें, विधायी जरूरतें, न्यायिक जरूरतें, या फिर कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जरूरतें, इन सब की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहता है। तो जाहिर सी बात है यहां राज्यों को कम शक्तियां दी गई है, केंद्र ज्यादा पावरफुल है। अब इसकी वानगी, एक दो वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली बात, हमारे पास एकल संविधान है और उस संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेरिका में दो संविधान है, अमेरिका का संघीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने राज्य हैं वर्तमान में अमेरिका में, आपको बताऊं कुल 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का अपना अपना संविधान है। भारत में एक ही संविधान के माध्यम से न सिर्फ पूरे देश की, बल्कि कह सकते हैं कि संघीय मामलों के साथ साथ राज्य की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले प्रावधान भी इसी संविधान में उल्लेखित हैं। यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले पहलू उपबंध एक ही संविधान में मिलेंगे, भारत के संविधान में। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर फेडरल इश्यूज, जो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से संबंधित है, उनको अगर हटा दिया जाए तो शेष मुद्दों के लिए प्रत्येक राज्य अपने अपने संविधान के माध्यम से अपने अपने टेरिटरी में शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। हिंदुस्तान में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी, भारत में एकल समेकित न्यायपालिका का प्रावधान है, जहां शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और बॉटम पे अधीनस्थ न्यायालय। हमारे यहां केंद्रीय न्यायालय अथवा राज्य न्यायालय जैसी कोई संकल्पना नहीं है, अमेरिका में ऐसा है। अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है वो केवल फेडरल इश्यूज तक अपनी सुप्रीमेसी रखता है, जबकि हिंदुस्तान में अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो अगर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक बात तो सुस्पष्ट रूप से पाएंगे कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय अपने काउंटर पार्ट यानी अमेरिका के फेडरल कोर्ट से, संघीय न्यायालय से ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका का संघीय न्यायालय क्यों कम पावरफुल है? क्योंकि अधिकांश शक्तियां वहां के राज्य संविधान के तहत जो राज्य न्यायपालिका है उनके द्वारा साझी की जाती है, शेयर की जाती है। भारत में ऐसा अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, ये आप देख रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है, यू विल ऑलवेज बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ एनी पार्टिकुलर प्रोविंस और स्टेट। यू माइट बी द रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट बट नॉट द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, बट दिस इज नॉट द केस इन द यूएसए। इन यूएसए देयर प्रिवेल्स ड्यूअल सिटीजनशिप, वन द सिटीजनशिप ऑफ the entire USA and other the citizenship of respective states। तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र की और दूसरी अलग अलग राज्यों की। 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के लोग एक तरफ भारत के नागरिक तो होते ही थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नागरिक भी कहलाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का जो प्रावधान था वो उनके राज्य संविधान के तहत उल्लेखित था। अब वो राज्य संविधान नहीं रहा, 370 हटते के साथ ही जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्टेटस चेंज हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो आप जरा देखिए, आपको 150 वर्ड्स में, 125 वर्ड्स में लिखना है, आपको नहीं लगता कि यहीं पर शब्द सीमा आपकी 125 से ज्यादा हो जाती है ना? दूसरी बात, चूंकि भिन्नता ही पूछा है ना, हाँ, किस प्रकार से भिन्न है, तो हमने जुडिशियल एस्पेक्ट पे देख लिया। लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव एस्पेक्ट पे आप देखेंगे तो वहां भी भिन्नता आपको दिखती है। वहां केंद्र व राज्य लगभग बराबर की शक्तियों का लुप्त उठाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में केंद्र ज्यादा पावरफुल है, विधायी रूप से भी, कार्यपालिकी रूप से भी, जिसको कार्यकारी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। और एक और अहम बात, भारत की जो राज व्यवस्था की, या राज व्यवस्था नहीं कहो, भारत में जो सरकारों का स्वरूप होता है वो संसदात्मक होता है। इंडिया में कैसा होता है? राज व्यवस्था का संसदात्मक स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि अमेरिका में
देखो मैं गलत शब्द का यूज कर दिया, राज व्यवस्था का संसदात्मक स्वरूप नहीं कहते, सरकार का संसदात्मक स्वरूप है ना। और अमेरिका में सरकार का कैसा स्वरूप है? अध्यक्षात्मक स्वरूप। तो यह भी एक विभेद है। थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं कि संसदात्मक प्रकार की सरकार व अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार में क्या विभेद है। हालांकि आपको केवल इसका मेंशन ही करना है, इलाबोरेट करेंगे तो संसदात्मक व अध्यक्षात्मक ही 300 शब्दों में हो जाएंगे। तो जस्ट यू हैव टू मेक अ मेंशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन बोथ द कंट्रीज। लाइक इन इंडिया देयर एग्जिस्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन द यूएसए देयर एग्जिस्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो देखो इंडिया में और ये यूएसए, इंडिया में कैसी सरकार है? पार्लियामेंट्री प्रकार की सरकार होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां क्या होगी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो भाई गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेटिव जिसको विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशियरी जिसे न्यायपालिका कहते हैं, जब इनमें हम सेपरेशन ऑफ पावर को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण की जो डिग्री है अमेरिका की तुलना में कम दिखेगी। समझ रहे हैं? यहां पर गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री ज्यादा है, सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री ज्यादा होगी। हिंदुस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री अमेरिका की तुलना में कम होगी। चलो, सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग टॉपिक होता है, यह बेसिकली एक दर्शन पर आधारित है, जिस दर्शन के प्रतिपादक एक फ्रांसीसी व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं, फ्रेंच फिलोसफर हैं। इनका यह कहना था कि सॉरी, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया जाना चाहिए। इसके मुख्य रूप से दो फायदे हैं। पहला, अगर ऐसा हम करेंगे तो सरकारें निरंकुश नहीं हो सकेंगी। दूसरा, देश के नागरिकों के नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, उन्हें हिफाजत प्रदान की जा सकेगी। तो इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को प्रोनाउंस किया गया था या प्रोपाउंड किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। एनीवे, यहां मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता हूं, सामान्य रूप से सुन लेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका व कार्यपालिका, सरकार के जो ये दो अंग हैं, ये आपस में पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जटिलतम रूप से एक दूसरे से मिले होते हैं। हां, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में आप विभाजन देख पाएंगे, अलगाव देख पाएंगे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में भी आप अलगाव देख पाएंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अलगाव या बिलगाव सुस्पष्ट रूप से आप नहीं महसूस कर पाएंगे। वजह, हमारे यहां संसदीय व्यवस्था में होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव की श्रेणी से लिए जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स चूंकि लेजिस्लेटिव की श्रेणी से लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इनको हर हाल में किसी न किसी रूप में लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह रहना होगा। और जब तक इन्हें लेजिस्लेटिव का विश्वास मिलता रहेगा, तभी तक ये अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेंगे, अथवा इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। भारत की संसद में जो भी पार्लियामेंट्रियंस होते हैं वे सब विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब उनमें से बहुमत वाले दल अथवा बहुमत वाले गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और इस तरह से वो नेता देश का प्रधानमंत्री होता है और अपनी एक मंत्रिपरिषद का सृजन करता है और अपनी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को आमंत्रित करता है। अब ये जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद हुई, देश की सर्वोच्च राजनैतिक कार्यपालिका होती है, वो अधिकारों के लिहाज से देखा जाए तो, मैं शब्द इस्तेमाल किया राजनैतिक कार्यपालिका, क्योंकि देश की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्तियां तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जो कि आपको मालूम है क्योंकि किस तरीके से होती है, वहां भी आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की ही चलती है। एनीवे, मैं चर्चा का दूसरे मोड़ पे नहीं ले जाना चाहता। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी राजनीतिक कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मंत्रिपरिषद है, जिसका नेतृत्व करता देश का प्रधानमंत्री होता है। अब देखो, आपको मालूम है ना कि भारत की मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना पड़ता है। दे वुड हैव टू रिमेन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा।
और दूसरी बात, जब तक इन्हें लोकसभा का विश्वास मिलता रहेगा तब तक इनका अस्तित्व तो बना रहेगा। अगर लोकसभा ने इनमें नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया, अविश्वास जाहिर कर दिया, उसी समय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी कोलैप्स्ड। तो देख रहे हैं कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। संसदीय व्यवस्था के, संसदीय प्रकार की सरकारों का ये आप कह सकते हैं कि सबसे आधारभूत स्वरूप होता है ये। दूसरा, अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार, तो ध्यान रखेंगे यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन दोनों में एक पर्याप्त दूरी होती है। कहने का मतलब कि जब राष्ट्रपति, जो कि वहां की सरकार का मुखिया होता है, जब अपनी मंत्रिपरिषद का सृजन करेगा तो उस मंत्रिपरिषद में आवश्यक नहीं कि यूएस कांग्रेस के सदस्यों को इनवाइट करे और उन्हें पोर्टफोलियो दे, मंत्रालय आवंटित करे, नहीं। वो चाहे तो किसी भी जन सामान्य को अपने मंत्रिपरिषद में आमंत्रित कर सकता है और मंत्रालय आवंटित कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति छोले खोमचे वाला ही क्यों ना हो। अब जाहिर सी बात है, छोले खोमचे वाले को मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, मैं एक सामान्य एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। चाहे तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को बाहर से बुला के लॉ मिनिस्ट्री दे सकता है, विधि मंत्रालय दे सकता है, चाहे तो किसी वित्त विशेषज्ञ को, है ना, या किसी अर्थशास्त्री को वित्त मंत्रालय आवंटित कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप मंत्रिपरिषद के सदस्य बनकर तभी रह सकेंगे जब आप विधायिका के भी सदस्य होंगे, यानी पार्लियामेंट के किसी न किसी हाउस के मेंबर होंगे, है ना। अगर आप बाहर से आए भी हैं तो अधिकतम 6 महीने तक ही आप मंत्री बने रह सकते हैं, उसके बाद आपको किसी न किसी विधायिका का या विधायी हाउस का, विधायी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अन्यथा आप मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकेंगे। यहां ऐसा नहीं है। तो बताओ, एक विभेद तो यह हुआ ना, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अब इन दोनों ही व्यवस्थाओं में दूसरा विभेद देखें तो ध्यान रखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था में 2 हेड्स का प्रावधान होता है, यानी दो प्रधानों का प्रावधान होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सिंगल हेड, एकल प्रधान का प्रावधान होता है। प्रधान समझ रहे, चीफ हेड। अब देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में एक तो सरकार का प्रधान होता है, सरकार का मुखिया, और दूसरा देश का संवैधानिक प्रधान, समझ रहे हैं। अब देखो, इंडिया में जहां संसदीय व्यवस्था है, सरकार का प्रधान कौन होता है, सरकार का मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट का मुखिया प्लस देश का संवैधानिक प्रमुख, दोनों ही एक ही व्यक्ति होता है, और वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो देख रहे हैं, ये एक दूसरा विभेद आप देख लिए। ऐसे तमाम विभेद है जो बिल्कुल आपके कंसेप्ट से ही उठते हैं। अब देखो, निसंदेह भारत का संविधान भी लिखित प्रकार का है, अमेरिका का संविधान भी लिखित प्रकार का है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। बट सवाल यह उठता है कि भाई, हम दोनों के संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर भी क्या कोई विविधता है? तो देखो, एक डिफरेंस आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में भी भाई आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, लिखित संविधान, यूएसए में भी आपको मिलेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, दोनों ही देशों में लिखित संविधान है। लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, यानी संवैधानिक प्रावधानों की, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, किसी भी संविधान के कुल 3 प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं, 3 तरह के प्रावधान, ठीक। देखो, या तो, और किसी भी संविधान का क्या आपको बताऊं, लिखित संविधान का सीधे सीधे मुद्दे पर ही आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में लिखित संविधान है। डब्ल्यूसी का मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, लिखित, ओके। तो देखो, किसी लिखित संविधान के जो प्रोविजन होंगे वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, टोटली रिजिड। दूसरा, टोटली फ्लेक्सिबल। तीसरा, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल
बोथ, है ना। अब देखो टोटल डिजिट मतलब पूर्णतः अनम्य, पूर्णतः अनम्य, अनम्य का मतलब क्या होता है, पूर्णतः कठोर, समझ रहे मेरी बात। दूसरा टोटली फ्लेक्सिबल यानी पूर्णतः नम्य, पूर्णतः नम्य, इसका मतलब समझ रहे, पूर्णतः नम्य का, जिसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप लचीला बोलते हैं, पूरी तरह लचीला होगा। और तीसरा जो नम्यता व अनम्यता का मिश्रण होगा, समिश्रण होगा, यानी चूंकि पहले रिजिड लिखा हूं तो लिख देता हूं अनम्यता प्लस, अनम्यता प्लस नम्यता, यानी अनम्यता व नम्यता का मिश्रण, रिजिड ओके, अनम्यता व नम्यता का मिश्रण होगा, क्लियर है। आपको बताऊं भारत का संविधान, इस भारत के संविधान के अगर प्रावधानों की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी कैटेगरी में आता है, यानी हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, है ना, वो रिजिड प्रोविजंस प्लस फ्लेक्सिबल प्रोविजंस दोनों ही के अद्भुत समिश्रण है। अब इसके अंदर खाने की बात यह भी आपको समझनी होगी कि इन प्रोविजंस में आखिर क्या फर्क है। देखो पहली बात तो गांठ बांध लेना कि किसी भी देश में जहां बात संविधान की होगी, संविधान सदैव संशोधनीय होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सर ऑलवेज अमेंडेबल, यानी बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव लाने की संभावनाएं हमेशा व्याप्त होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नेवर गो स्टैटिक, दे आर ऑलवेज डायनेमिक। किसी भी देश का संविधान कभी भी स्थैतिक नहीं हो सकता, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, गतिशील होगा, गतिज होगा, क्लियर है। दूसरी बात देखिए, यानी संविधान सदैव संशोधनीय होगा, लेकिन संविधान को संशोधित किए जाने में भिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ ऐसे संविधान होते हैं या संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनको बेहद आसानी से संशोधित कर लिया जाता है। तो संविधान का वह प्रावधान जिसे बेहद आसानी से संशोधित किया जा सके उसको हम लोग नम्य प्रावधान कहते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोविजन कहते हैं। और संविधान के वे प्रावधान, वे प्रोविजंस जिनको संशोधन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी जो आसानी से संशोधनीय नहीं होते, उनको कठोर प्रावधान कहते हैं, अनम्य प्रोविजन कहते हैं। और जरा सोचिए मैंने यहां क्या लिखा कि एक ऐसा संविधान जो पूर्णतः कठोर हो, पूर्णतः अनम्य हो, इसका मतलब कि इस संविधान के जो भी प्रावधान होंगे कोई भी आसानी से संशोधित नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संशोधित नहीं होगा, संशोधित हो सकता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल होगी। देखो कोई संविधान जो पूर्णतः फ्लेक्सिबल है, पूर्णतः नम्य है, इसका हर एक प्रोविजन जब चाहे तब बड़ी आसानी से संशोधित हो जाएगा। तीसरा नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, ऐसा भी संविधान हो सकता है जिसमें दोनों ही तरह के प्रोविजन हो, जैसे भारत का संविधान अभी अभी मैंने कहा। तो इस तरह के प्रावधान वाले संविधानों को जब हम संशोधित करेंगे तो देखेंगे कि कुछ एक प्रावधान ऐसे होंगे जो बड़ी आसानी से संशोधित हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक प्रावधान आपको ऐसे मिलेंगे जो आसानी से संशोधित नहीं होंगे। संशोधित तो हो जाएंगे बट जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर ये दोनों ही तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। बट अमेरिका के अंदर जो संविधान है ये पूर्णतः कठोर है, टोटली रिजिड है। तो एक फर्क आप बता देंगे, अमेरिकी संविधान पूर्णतः कठोर है जबकि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपना दोनों ही का अद्भुत समिश्रण है, क्लियर है। अब चलो यहीं से एक और पॉइंट निकल कर आता है। जरा सोचिए जिस देश का संविधान कठोर है, यानी इतना तो तय है कि उस देश की विधायिका के द्वारा, उस देश की पार्लियामेंट के द्वारा, अपनी भाषा में बोले तो, क्योंकि भारत की जो सर्वोच्च विधायिका है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, और अमेरिका की सर्वोच्च विधायिका को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जरा सोचिए अगर किसी देश का संविधान पूर्णतः कठोर है तो आपको नहीं लगता कि बदली परिस्थितियों में या इन चेंज्ड इन सर्कमस्टांसेस अगर उस देश की विधायिका चाहे कि हम संविधान के प्रावधानों में अपेक्षित बदलाव ला सके तो आसानी से नहीं ला पाएगी। और जब आसानी से नहीं लाएगी और मान लीजिए वक्त की नजाकत यही कहती हो कि नहीं संविधान के इस प्रावधान में बदलाव आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में किसका सहारा लेना पड़ेगा, न्यायपालिका का। फिर न्यायपालिका उस प्रावधान का बदलते परिदृश्य के अनुरूप व्याख्या करेगी और उसके अकॉर्डिंग शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में हम तब्दीलियां ला सकेंगे।
तो कहीं ना कहीं जहां भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां न्यायपालिका बेहद सक्रिय होती है। तो आप कहेंगे कि जो न्यायिक सक्रियता की डिग्री अमेरिका में है निसंदेह भारत की तुलना में ज्यादा होगी, समझ रहे ना मेरी बात, भारत की तुलना में ज्यादा होगी। ज्यादा इसलिए होगी कि अमेरिका का संविधान पूर्णतः कठोर है। और एक और बात, अमेरिका का संविधान बेहद छोटा है, भारत का संविधान बेहद भारी भरकम है। अब अमेरिका का संविधान बेहद छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो बिल्कुल गूढ़ है। एक एक प्रोविजन को जब आप इलाबोरेट करेंगे, जब उसे एक्सपेंड करेंगे, तो बड़ी ही व्यापक व्याख्या निकल कर आएगी। यानी बेहद भावार्थक प्रावधान है। भारत में तमाम प्रावधानों को इतना एक्सपेंडेड मैनर में, इलाबोरेटिव मैनर में मेंशन किया गया है कि कई प्रावधान तो जन सामान्य की भी समझ में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो न्यायपालिका को वेजा या अदरवाइज या अन्यत्र दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हां, कुछ प्रावधान हमारे संविधान में भी भावार्थक हैं, जहां उनके इंटरप्रिटेशन के लिए, विश्लेषण के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। और न्यायपालिका आगे आती है, उसका विश्लेषण करती है, और न्यायपालिका के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय कह लो, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया विश्लेषण अंतिम व सबके लिए मान्य होता है। तो भाई हमारी भी न्यायपालिका में सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री दिखेगी, लेकिन अमेरिका की तुलना में कम। तो कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज इन ग्रेटर अमाउंट इन द यूएसए एज कंपेरिजन टू दैट इन इंडिया। तो एक फर्क आप यहां भी देख सकते हैं। इस तरह से तमाम विभेद आपको भारत व अमेरिका की व्यवस्था में देखने को मिलेगा, समझ रहे मेरी बात। जैसे भारत के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाना हो तो उसके लिए हम महाभियोग लाते हैं, इंपीचमेंट लाते हैं। अमेरिका में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट लाया जाता है, बट मोड ऑफ इंपीचमेंट विच इज फॉलोड इन द यूएसए इज एंटायरली डिफरेंट टू व्हाट एग्जिस्टेड इन इंडिया। ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब कंपेरेटिव स्टडी डिस्कस करूंगा यूएस और इंडिया में, तो यहां फर्क है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में महाभियोग केवल व केवल राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया न सिर्फ राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल में लाई जाती है, बल्कि वहां के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए, है ना, वहां के सिविल सर्वेंट्स तक को पद से हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, सब में महाभियोग लाया जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि 125 नहीं बल्कि 1250 शब्दों में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इतने के आधार पर आप खुद देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा, जबकि टॉपिक को हमने अल्प रूप में पढ़ा है। आपने देखा होगा मैंने कॉन्फेडरेशन को ओमिट कर दिया था, है ना, मैंने यूनिटरी और क्वासाई फेडरल डिक्टेट नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, सीधे सीधे इस क्वेश्चन की तरफ मूव किया। तो आपको बता दूं ये एक वानगी है जिसके माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे कि क्लासरूम के अंदर आपके साथ जो टॉपिक पे परिचर्चा होगी वो किस स्वरूप में होगी। उम्मीद करता हूं आप बुद्धिमान है, बेहतर तरीके से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उचित निर्णय लेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।